Children, today we will be doing simple present tense, that is unit number 9 of your grammar book. So what is tense basically? Tense kya hota hai? Tense ka matlab wo nahi jo aap tension lete hain exams ke bare mein. Tense ka matlab hota hai time. Time ko hum jis unit mein dekhte hain, that is tense. ऑलराइट, टेंस इज अ टाइम. सो जब हम टाइम को डिस्क्राइब करते हैं चिल्ड्रन, तो हमेशा टाइम इज ऑलवेज चेंजिंग, राइट. सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस होते हैं जिनकी मदद से हम एक सेंटेंस में टाइम क्या है उस सेंटेंस का वो बताते हैं. एंड दैट इज़ हाउ वी राइट द लैंग्वेज. ओके, हम जो भी लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई टेंस ज़रूर होगा, करेक्ट. हमने पहले पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, राइट. वो एक चीज़ है विच यू हैव टू इनकॉर्पोरेट विथ टेंसेस टू राइट एनी सेंटेंस. ऑलराइट, टुडे वी विल सी व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि नॉर्मल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट हियर. स्टूडेंट्स, present tense of verb is used to talk about the things people usually do. Alright, let's see. verb का हमेशा time होता है, यानी कि जो action words होते हैं उनका time होता है. यानी कि जैसे अगर हमारा main verb है walk, तो इसका present tense होगा walking, यानी कि वो अभी वॉक कर रहा है. जो भी अभी है चीज़, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेट अस रीड दैट. आई सेलिब्रेट माय मदर्स बर्थडे एवरी ईयर. माय फादर डेकोरेट्स द होम. माय आंट कुक्स द फूड. वी इनवाइट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. They bring gifts for her. She cuts the cake. All of us wish for her long life. We spend the whole day together. Okay? जो भी underlined words हैं children, वो आप notice करोगे कि वो सारे verbs हैं, यानी कि action words हैं जिनसे हमें action का पता चलता है, जिनको हम कहते हैं verb. verb का ही हमेशा tense होता है. एक सेंटेंस में अगर हमें पता लगाना है कि उस सेंटेंस को बोले जाने का या फिर लिखने का टाइम क्या है, तो हम उसके वर्ब को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो कब लिखा गया था, अभी पास्ट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में, यानी कि वो पहले लिखा जा चुका है, अभी लिखा गया है, या फिर फ्यूचर के लिए उस टेंस में बात हो रही है, उस सेंटेंस में बात हो रही है. ऑलराइट, लेट्स सी दिस वन. The underlined ones, words are all verbs. Like I told you, they're all verbs. These verbs are in simple present tense. यानी कि ये सारे के सारे verbs जो हैं वो simple present tense में हैं. These are used to make general statements. In the simple present tense, we use the root form of the verb with plural subjects and add s or as to the root form with singular subject. Alright, verb में children मैंने आपको पढ़ाया था subject verb agreement क्या होता है. मैंने एक बार आपको पढ़ाया था पहले. जब भी हमारा subject जो है, subject कौन होता है एक sentence में, doer होता है ना, तो जब हमारा doer singular होता है तो हमारा verb जो होता है वो plural होता है. ओके, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है. ऑलराइट, लेट्स सी कि इसमें बुक में क्या लिखा है. यहाँ पे इन द लास्ट ब्लॉक हियर, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब का रूट फॉर्म यूज होता है इसमें विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड, यानी कि जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे रूट फॉर्म होगा यूज़, यानी कि सिंगुलर वाला. एंड वी एड एस और ई एस
टू द वर्ब इफ आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जस्ट लाइक द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. चिल्ड्रन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है या आपको कोई कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, अदरवाइज आप ज़िंदगी भर गलत सेंटेंसेस ही प्रोड्यूस करेंगे. क्योंकि जिस बच्चे को